हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो मेरे गांव लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। मनीषा रानी झलक लाजा जीत गई हैं। ऑब्वियसली उसकी वीडियोस ओवर ही तो देख नहीं सकते आप लोगों के साथ, बट मैंने वो देखी हुई है इसलिए मैं उस पर एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज़ देखने को मज़ा नहीं आता जिसका देखा होता है। तो आपको भी पता ही है मैं वन टाइम ही देखता हूँ वीडियोज़। तो आज ये वीडियो देख रहा हूँ मनीषा रानी की, ओल्ड रील्स हैं उसकी सीरीज़ थी, तो पहले भी देखी थी, अभी और जो है वो शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसकी रील्स देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे अंकल, अरे ओल्ड मनीषा यार, ओल्ड चल रही है। इतना गुस्सा क्यों मनीषा? फालतू बात नहीं, आयोटमा सीधी बात। गुटखा, सिगरेट और दारू के पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानकर भी सब पीते हैं। और वैक्सीन में जिंदगी है, फिर भी सबको गारंटी चाहिए। गारंटी मांग रहे लो कि गारंटी वाकई चाहिए थी, हो जाएंगे तब ही बाद में जो स्किन डिजीज है ना, इच्छु छुंदर आदमी क्या पता, तब ही लोग वैक्सीन लगाएगा। पापी आदमी सब, तुम लोग मरो ऐसे ही साला। नो, हमारे पापा क्या कर रहे हैं? अरे मम्मी पापा सेटिंग कर रहे हैं। क्यों? आपको पहले से थोड़ी बात से हमको पता था, शादी के बाद लफोगरी करना ना छोड़े हैं। हाँ, बच्चा हो गई है, अब बीवी इतना सुंदर है, फिर भी आपने सुधरा आपका किसे सेटिंग कर रहे हैं? ऊपर कुछ और कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल का सेटिंग कर रहे हैं, लो देखो। सॉरी जी, सॉरी। आप ही कहा बेटी बोली, हम बोले की दोनों माँ बेटी, मेरा दिमाग खराब करके रखी हो। पापा मार खा गया बेचारा। अरे मम्मी, बीच बीच में पापा को लगना भी जरूरी है। कहाँ से आ रही हो? ये कौन है? तुम जानती हो ना मेरा बॉयफ्रेंड कितना पैसे वाला है, वो हमको ताज लेके गया था लंच करवा ले। सुनो ना, झूठ बोलना हो ना तो बम्बई से बाहर जाके झूठ बोलो। हम भी यही हैं, जो जूहू चौपाटी में पत्थर पे बैठ के 15 रुपए वाला भेलपुरी खा रही थी ना, आप चुम्मा चाटी कर रही थी, उसी का पीछे वाला पत्थर में हम भी वही सब कर रहे थे अपना बॉयफ्रेंड के साथ। मेरा सर में डिंग मत खाका करो, बड़का बड़का फेंकने लगे। 10 दिन से तुमको बोल रहा है इंस्टाग्राम पर मेरी स्टोरी लगाओ ना। अच्छा लगा देंगे, लगा अब भी लगाओ। अच्छा लो लगा दिए, देख लो देख लो। थैंक यू। बहन तुम जानती नहीं हो इस चुड़ैलनी को, ये तुम्हारा सारा लड़का हड़पना चाहती है इंस्टाग्राम का, बहुत होशियार बन। अरे अरे, वो जितना होशियार है ना उससे ओनली फ्रेंड्स लगा ली। अब मेरा इंस्टाग्राम का जितना हैंडसम लड़का था ना, सबको हाइड किए तब उसका स्टोरी लगाया। मेरा इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, मेरा जितना लड़का है बस मेरा रहेगा। इसके बोलने का स्टाइल। हेलो, दोनों मनीषा ठीक है। अरे मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा, मैं रेडी होने जा रही हूँ, ठीक है? इसको क्या हुआ? देख मैं ये पहन रही हूँ और मैं ये पहन रही हूँ। ये वाला टाने की ला 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 ला। ओह माय गॉड, ब्यूटी। ओह नो, एक बात बता, बॉयफ्रेंड मेरा आ रहा है, तू इतना क्यों सज रही है? देख, जो आ रहा है वो तेरा बॉयफ्रेंड है, जो यहाँ से जाएगा वो क्या पता वो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए। What? Oh my God, I'm very excited. जो जल्दी सज रहा हूँ। सही। मेरी मेरी शादी कहीं और फिक्स करती है। अच्छा। सॉरी अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, आपको माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? देखिए, आपको तो पति के मामले में ना जी नहीं पाएंगे, जीने के लिए कोई तो सहारा चाहिए होता है ना। तो जब जिंदगी से जाइए रहे तो जाते जाते मेरा सेटिंग अपना दोस्त सुभाष से करवा दीजिए ना। और वैसे भी उस पर तो मेरा कब से नजर है, लेकिन आपका दोस्त तो बोल के हम कभी भी लाइन में नहीं मार पाए, लेकिन अब तो रास्ता एकदम क्लियर है, तो करवा दीजिए ना प्लीज प्लीज, करवा दीजिए सेटिंग, बाकी तो हम आपका याद के सहारा जिए। थोड़ी ना समझूं प्यार से समझाने वाला चाहिए कि थोड़ी ना समझूं प्यार से समझाने वाला चाहिए, मोहब्बत की ज्यादा शर्तें नहीं है जनाब, मैं रूठती बहुत तो प्यार से मनाने वाला चाहिए। बरसात आया जोर का। अच्छा। अब बरसात आया जोर का और आज तक हम जिससे भी प्यार किए वो हो गया किसी और का। भाई तेरा हर बार ब्रेकअप क्यों हो जाता है?
सही फिट हुआ कभी टिका नहीं जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं। जब सास से शादी हुआ एकदम जिंदगी नरक बन गया। घर संभालो, परिवार संभालो, घर का सब काम संभालो, बच्चा को संभालो, आप क्या संभालते हैं, आप क्या करते हैं बताइए तो। अरे हम तो तुम्हारे खूबसूरत नशीली अदाओं से खुद को संभालते हैं। आए, आए, गिरा रही है। आप भी ना, मूड एकदम चेंज कर दिए, बहुत बदमाश। क्या यार मनीषा, आज जो लोग हमको फोटो और वीडियो में देख के मेरे दीवाने पागल हुए बैठे हैं, वो अच्छा है कि फोटो और वीडियो में ही देखे हैं, रियल में देखेंगे तो सच में पागल हो जाएंगे। कहे कि रियल में हम फिल्टर कहाँ से लाएंगे भैया। लड़कियों, सच्चा प्यार करोगी तो सिर्फ तरपोगी, सिसकोगी और रोगी। इससे तो अच्छा है कि चार को पांच को बॉयफ्रेंड रख लो, एकदम मस्त रहोगी। पागल है, पागल है, पागल है। Excuse me, your wallet. Okay. Hey, thank you. Are you new in this calling? Yes. What's your name? Hi, I'm Raj. And you? My name is Jan ki, lekin mere dost mujhe pyar se Jan bulate hai, so you can call me Jan. Okay. Yeah, nice meeting you. Bye-bye. Bye-bye. Are haan, wo to waise hi hota na. Hey. Hey. Hi, Jan. Hi, Raj. Kaha ja rahe ho? Gym ja raha hu. Okay, see you soon. Okay, see ya. बाय। हेलो, अरे सबके सामने जान बोलने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं आपको। यार ये कितना हैंडसम लड़का पटा दिया है यार, मुझे बड़ी जलन हो रही है। मुझे भी, मुझे देखता नहीं यार। नो 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 नो। कुछ लड़कियां जो 2400 घंटा मोबाइल में चिपकी रहती है, 2400 घंटा बात करते रहेगी, लपड़ लपड़ चपड़ चपड़, पूछ लो कि बॉयफ्रेंड है क्या, तो बोलेगी नहीं हम तो सिंगल है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोग नहीं रखते हैं। अरे यार सिंगल तो हम भी हैं, हमारे मोबाइल का घंटी तो एक बार नहीं बजता है, हमको तो कंपनी वाला के अलावा कोई नहीं कॉल करता है। तुम कौन सिंगल हो बे, जो तुमको इतना फोन आता है, पूछ लो। तो बोलेगी मेरा फ्रेंड है। बाप रे, वो एक बड़ा फ्रेंड है, छ्रेंड है, हम लोग को तो लगता है फ्रेंड है नहीं है, हम हमारे बकलोल बना। जबरदस्त यार, निशा की वॉइस वाली वीडियोस का एक अलग ही लेवल है, क्योंकि उसने स्टार्ट उधर से किया था और उसकी वाइब्स ही अलग हैं। जेन्युइन बात है, बड़ी अच्छी लगती हैं और इसीलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट की है, और भी एक दो वीडियोस होंगी उसकी, तो वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो होप्स आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, वगैरह अच्छी लगी, एक बार बॉक्स में लाल बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।